वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, हम स्टार्ट करते हैं पौड़ी 24। अंत न सिफती कहन न अंत। पहली चीज़ अगेन, अंत न कहना है, नॉट ना, अंत न सिफती। अब यहाँ पे जो फफा अक्षर है उसको मेक श्योर कि हम फफा ही कह रहे हैं, फफा नहीं कह रहे। सो सिफती नहीं कहना, सिफती कहना है, फ। सो सिफती, इधर मोस्टली आपका हो सकता है कि आप फफा कहते हो, सो ध्यान देना है इधर, ये फफा नहीं है, ये फफा है। सो अंत न सिफती एंड देन कहन, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो हम पहले से देखते आए हैं, कक्का हाहा मुक्ता है दोनों, तो कक्के और हाहे पे सूखम दुलावा लगेगी। सो इट विल बी लाइक कहन, नॉट कहन। एंड न अगेन फिर से आ गया, तो वो भी न का न ही प्रनाउंस होगा। सो अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करण देण न अंत। अब एक चीज़ ध्यान देना, इस पौड़ी में ना अनाणे अक्षर बहुत सारे आएंगे, सो मेक श्योर हमारा अनाणा अक्षर की प्रोनाउंसिएशन इट्सेल्फ हमारी है शुद्ध, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसमें अनाणे बहुत सारे आएंगे और कहीं कहीं पे तो दो दो बार भी आते हैं एक ही वर्ड में। सो यहाँ पे जैसे करण और देण आ गया है ना, सो मेक श्योर कि हम करण और देण की आवाज़ दे रहे हैं, करण या देन नन्ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अनाणा है तो अनाणे की ही आवाज़ ही आएगी, ठीक है जी। सो अंत न करण देन न अंत। नेक्स्ट, अंत न वेखण सुनण न अंत। अब यहाँ पे सुनण है ना, ये आ गया एक अक्षर जहाँ पे कि दो अनाणे हैं, तो ध्यान देना इधर कि सुनन मोस्टली क्या होता है कि मोस्टलियों का ये हो जाता है कि सुनन हो जाता है, मतलब कि पहले पहले वाला अनाणा तो वो ठीक से बोल पाते हैं, बट जो दूसरा अनाणा होता है ना उसमें वो उनकी टंग स्लिप होके फिर नन्ने पे आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, आपको अगर स्लो भी होना पड़े आप स्लो भी हो जाओ इधर, एक्चुअली में आपको स्लो होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप स्लो नहीं होगे तो आप शायद ना भी बोल पाओ, ठीक है। अगर आप तेज़ में रखोगे तो मे भी आप स्किप कर जाओ, सो सुनन कह दो आप शायद। सो दोनों अनाणे हैं, सो सुनण सुनण। तो अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। अगेन नन्ना कहना है, नॉट ना, और जापे कहना है, जापे नहीं कहना। मोस्टली काफी जने जापे कह देते हैं, दुलावा का ध्यान देना इधर। और क्या, ठीक है, नॉट किया, कक्के से हरी है ना, सो क्या होगा, नॉट किया। सो इन टोटल क्या का ऐड़ा लंबा जाएगा, सो अंत न जापे क्या मन मंत, कक्के से हारी के छोटा ही रह जाएगा। अंत न जापे कीता आकार, यहाँ पे नन्ना नन्ने का ध्यान देना है, और जापे का अगेन ध्यान देना, क्योंकि जापे पिछली पंक्ति में भी आया था, सो सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होती है। जापे कहना है और आकार कहना है, नॉट अकार, ठीक है जी। दोनों में कन्ने हैं, ऐड़े और कक्के दोनों में कन्ने की मात्रा है। अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। अगेन न कहना है और जापे कहना है, नॉट जापे। ये पंक्ति थोड़ी सिंपल ही है बट ध्यान देना है। अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिललाहे। अनाणा कहना है कारण में, नॉट कारण, और बिल लाहे ध्यान देना है, दो लल्ले हैं यहाँ पे, सो बिल लाहे। पर ध्यान ये भी देना है कि पहले वाला लल्ला है मुक्ता है, पीछे वाला कन्ने के साथ है। ये जो दोनों अक्षर है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों छोटी मात्रा है, बब्बे में से हारी और लल्ले लल्ला मुक्ता, सो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी हमने इस अक्षर में टाइम देना वो लल्ले कन्ने वाले अक्षर को टाइम देना, क्योंकि ये दीर्घ मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, और हा हा अगेन छोटा है। सो बललाहे बललाहे, सारा मैक्सिमम टाइम लल्ले कन्ने को ही मिलेगा इस अक्षर में। सो अंत कारण केते बललाहे, और ध्यान देना कि कहीं बललाहे बोलते हुए अलग अलग ना कर देना बिल और लाहे को, इकट्ठा है सो इकट्ठा ही रहना चाहिए, बललाहे। नेक्स्ट, ताके अंत न पाए जाहे। अगेन ता और के अक्षर, इनको अलग अलग पढ़ना है,
ताके नहीं करना, ताके कहना है। ताके अंत न पाए जाहे, अगेन नन्ना कहना है, नॉट ना और जाहे, जाहे नॉट जाहे, जज्जा लंबा हा से हरी है छोटी। सो ताके अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोय। एहो में जो अभी ए के ऊपर जो ला लगी हुई है ध्यान देना है, ए के ऊपर ला है, सो विच इज अगेन दीर्घ मात्रा, सो ये लंबा जाएगा, एहो नॉट एहो है ना। अगर हमने एहो कह दिया तो फिर ईडी में से हारी लग जाएगी, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हमने ये नहीं करना। सो एहो नहीं कहना, एहो, ए को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, एहो अंत न जाने कोय। अगेन नन्ना कहना है, नॉट ना और जाने, नन्ना नहीं कहना, और एंड में कोए, कक्के होड़ा लंबा, इड़ी से हरी ए छोटा। सो ए हो अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। अब ध्यान देना इधर, बहुत वाला अक्षर जो है वो हिंदी वाला ना हो जाए। सो बहुता कही है नहीं कि हमने कहना, ये पंजाबी वाली साउंड ही आनी चाहिए। सो हाहे औंकड़ हो होता है ना, हाहे औंकड़ हो, सो ये होगा बहुता, बहुता नॉट बहुता, ठीक है, हिंदी वाली इधर टच नहीं आनी चाहिए। सो बहुता कही है बहुता होए, और लास्ट में अगेन होए में भी वही चीज़ आनी चाहिए, होए, हा हा लंबा, इड़ी से हरी ए छोटा। नेक्स्ट, वड्डा साहिब ऊंचा था। वड्डा अक्षर जो है उसको प्रेशर देना है, ठीक है, वड्डा, वड्डा नहीं कह देना, वड्डा अज्यूम कर लो कि वव्वे के ऊपर अद्दक है ऐसे, ठीक है। सो वड्डा साहिब ऊंचा था, और ऊंचा अक्षर में अगेन उड़े में दुलैंकड़ है, सो ऊंचा कहना है नॉट उच्चा। और लास्ट में थाओ, थाओ थत्थे करना, था लंबा, उड़े अंकड़ ओ छोटा। हमने अगर थाओ कह दिया तो फिर उड़े का मुंह इधर खुला हो जाएगा, ओपन वाला हो जाएगा, ओपन नहीं करना हमने, ये क्लोज्ड मुंह है यहाँ पे, सो ये इसकी साउंड जल्दी खत्म हो जाएगी। सो थाओ, सो वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। अब अगेन इधर भी सेम चीज अप्लाई होगी, ऊंचे कहना है क्योंकि दुलंकड़ है, बट ध्यान देना जो नेक्स्ट ऊपर अक्षर है वो औंकड़े के साथ है, विच इज छोटी मात्रा, विच इज सूखम, है ना। सो ऊंचे ऊपर नहीं कहना हमने, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया तो यहाँ पे फिर दुलंकड़ लग जाएगी। सो ऊंचे ऊपर नहीं, ऊंचे ऊपर, ठीक है, ये वाला जो होगा इसको हमने स्ट्रेच नहीं करना, डू नॉट स्ट्रेच, इसको हमने छोटा ही रखना है। सो ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, और सेम चीज़ नाव पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी, नन्ने कन्ना ना लंबा, उड़े अंकड़ ओ छोटा। सो नाव इन टोटल, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ए वड ऊंचा होवे कोय। अगेन इधर भी ए वड में, ए में ला लगी हुई है, सो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ए वड नहीं कह देना, छोटा सा नहीं कहना ए को, इड़ी से आरी ए नहीं करना, और ध्यान देना है कि डड्डे की आवाज, डड्डे की आवाज ही आनी चाहिए। सो ए वड नॉट ए वड, काफियों का डड्डे के साउंड नहीं निकल पाती है तो, और वो अडाड़े में कन्वर्ट हो जाती है, अडाड़ा अक्षर नहीं लगाना इधर, डड्डे के साउंड है। सो ए वड, ए वड ऊंचा होवे कोय। अगेन कोय भी सेम चीज रूल अप्लाई होगा, कक्का लंबा, इड़ी से आ रही है छोटी। नेक्स्ट, तेस ऊंचे को जाने सोए। अगेन इधर कक्का और उड़े अंकड़ ओ है, सो कौ, ठीक है, कौ की साउंड आएगी, को नहीं कहना इधर। सो ऐसे नहीं कहना कि तेस ऊंचे को जाना है सोए, को नहीं कहना, कौ कहना है, कौ, ठीक है, और लास्ट में सोए, ससे होड़ा, सो लंबा, इड़ी से हरी ए छोटा। सो तेस ऊंचे को जाना सोए, जेवड आप जाने आप, जेवड कहना है अगेन, जेवड नहीं कहना, अड़ाड़ा नहीं लगाना इधर, डड्डा है, तो डड्डे की आवाज ही आनी चाहिए, जेवड आप
जाने, ध्यान देना इधर जाने नहीं कहना, फिर अनाना आ गया, सो जाने कहना है, और आप अक्षर को अलग अलग पढ़ना, ठीक है, आप नहीं कह देना, मोस्टली जो सेम अक्षर होते हैं वो फिर हम कंबाइन कर देते हैं, है ना, पहले भी हमने डिस्कस किया था, जैसे पढ़ पढ़ वो हम जोड़ देते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना। अगर हाँ आपकी पेस ही उतनी स्पीड है तो आप उनको उस तरीके से पढ़ सकते हो, बट अगर जिस हिसाब से हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से सेपरेशन दोनों में प्रॉपर होनी चाहिए। सो जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, ये वाली पंक्ति सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं नोट करने वाला। सो नानक नदरी करमी दात, उल्ला चुका दिखे माँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।